रात में पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। इधर बको बाहर बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि उसे ठंड में रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो छुपके से टेंट के अंदर जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में बको टेंट से बाहर निकाल देती है। पर तभी उसे वहां एक बहुत बड़ा भेड़िया दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है। जैसे ही बक पीछे हटता है वो एक डॉग से टकरा जाता है जो वहां पर एक गड्ढा बनाकर सोया हुआ था। वो डॉग बक को वह जगह देकर वहां से चला जाता है और अपने लिए दूसरा गड्ढा खोदने लगता है। हालांकि अब बक को भी ये चीज पता चल चुकी है कि बर्फ में सोते कैसे हैं। अगली सुबह जब ये अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी बक से बर्फ में नहीं चला जा रहा था, वो बार बार गिर रहा था। हालांकि जैसे तैसे करके बक का आज का दिन भी निकल जाता है। जब रात में इनका मालिक सभी डॉग को खाने के लिए मछली देता है तो इन्हीं में से एक डॉग जो कि स्लेड चलाने में सबसे आगे रहता था वह बहुत खतरनाक होता है। वो दूसरे डॉग की फिश को छीन के खा जाया करता था। जब बक ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फिश उसे दे देता है, जिसे देखकर सभी डॉग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहां पर कोई भी अपना खाना किसी को भी नहीं देता था। सब्सक्राइब